ये फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2022 में यूज हुई थी और चौंकाने वाली बात यह है कि ये चार्ज होती है, पर क्यों? देखो, इस फुटबॉल का नाम है अल रेहला और अगर मैं इसके कपड़े उतार के आपको दिखाऊं तो इसके अंदर सिर्फ हवा ही नहीं, दो काम की चीजें और हैं। एक तो ये छोटा वाला सेंसर जो बॉल के आउटर सर्फेस से कनेक्टेड है और दूसरा ये बड़ा वाला सेंसर जो बॉल के बीचों बीच लगा हुआ है। इन दोनों सेंसर की वजह से ये फुटबॉल एडिडास कंपनी द्वारा बनाई गई सेमी ऑटोमेटेड AI टेक्नोलॉजी बेस्ड एक सुपर स्पेशल फुटबॉल है और मैचेस के दौरान काफी ऐसे डिसीजंस इस फुटबॉल की हेल्प से लिए गए थे जो नॉर्मल कैमरा और रेफरी तो नोटिस ही नहीं कर पाए थे। फॉर एग्जांपल, पुर्तगाल वर्सेस यूरुग्वे मैच का ये ओपनिंग गोल, जिसमें ऐसा लग रहा है कि गोल रोनाल्डो ने ही किया है, लेकिन इस चार्ज होने वाली फुटबॉल ने असलियत को पहचाना, बीच में लगे हुए सेंसर की मदद से डेटा डायरेक्टली इस VAR रूम में भेजा। ये VAR रूम एक तरीके का थर्ड एम्पायर ही है। फिर VAR रूम वालों ने दुनिया को बताया कि भैया रोनाल्डो तो झूठी बड़ाई ले रहा है, गोल तो ब्रूनो फर्नांडिस ने किया है। वेट, चेक द पिन कमेंट।